Just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. नमस्कार दोस्तों, रायसंस गैरेज में फिर से एक बार आपका स्वागत है और प्रेजेंटिंग टू यू द क्लासिक ऑफ ऑल टाइम्स मारुति सुजुकी एसटी। तो रिव्यू करते करते मैं पहुंच गया हूं गोवा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मिरेकुलस स्पॉट बाराडे क्रॉस बेतुल में। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. नमस्कार दोस्तों, तो इस दायरे में अभी चाबी घुमा रहा हूँ, जरा आप देख सकते हैं। 1 2 3 एक चाबी घुमाने पर गाड़ी चालू होती है। एसी मैं थोड़ी ऑन कर देता हूँ, एसी मेरी अच्छी है अभी तक, अच्छा ठंड हवा मारती है। तो 84 BHP और 1298 ऑलमोस्ट 1300 CC होता है। 1300 CC के साथ ये है मारुति एसटीम। पावर की कोई कमी नहीं है और इसका और जिप्सी का इंजन ऑलमोस्ट सेम रहता है। बहुत ही अच्छी एसी है मेरे हिसाब से, बहुत ही ठंड कर देती है। अभी तक एसी का कुछ प्रॉब्लम मुझे आया नहीं है, बहुत कंफर्टेबली मैं अभी चला रहा हूँ। पावर स्टेयरिंग तो बहुत ही कमाल का पावर स्टेयरिंग है। 14 साल पुरानी गाड़ी में इतना अच्छा पावर स्टेयरिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत ही स्मूथ है। एरोडायनेमिक्स इस गाड़ी के वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं। बहुत ही लो प्रोफाइल गाड़ी है, मतलब बहुत ही नीचे है, ऐसा लगता है कि आप रास्ते पे ही बैठे हुए हो और चला रहे हो गाड़ी। फॉर्मूला 1 का फील देती है। इंजन का तो कोई मेंटेनेंस नहीं है भाई, वेरी गुड इंजन। मारुति एसटीम का क्रोम ग्रिल जो है, वो पहली बार क्रोम का ग्रिल इंडिया में आया था, तभी लोगों को मालूम भी नहीं था क्रोम ग्रिल क्या होता है वो, या क्रोम क्या होता है वो। ये 2006 मॉडल है और इसको मैंने पेंट किया है मरीना ब्लू कलर। तो अगर आपको ये कलर पसंद आया तो आप मरीना ब्लू अपने गाड़ी को पेंट कर सकते हैं। इस गाड़ी का पेट्रोल टैंक का कैपेसिटी है 40 लीटर्स, तो 40 लीटर आप एक साथ इस गाड़ी में डाल सकते हो पेट्रोल और लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो। इधर आप देख सकते हो मारुति एसटीम का इंटीरियर कैसा था वो। ये ब्लू कलर मैंने सब इंटीरियर पेंटिंग किया है, कस्टम पेंटिंग। तो इधर आप देख सकते हैं ड्राइवर के पास फुल कंट्रोल था, सब पावर विंडोज, विंडो लॉक, डोर लॉक, सब चीज़ें इधर से आप कर सकते थे,
सेंट्रल लॉकिंग भी आप इधर से कर सकते थे। और ये है स्पीडोमीटर मारुति एसटीएम का। इसका स्पीडोमीटर का एक खासियत ये है कि एक बार 1,00,000 किलोमीटर क्रॉस होने पर ये फिर से चालू हो जाता है, जीरो से रोल आउट कर जाता है। तो अगर आपके किलोमीटर 10,000 या 20,000 आपको स्पीडोमीटर पे दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 1,00,000 क्रॉस करके फिर से आपका स्पीडोमीटर चलने को चालू हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं ये गाड़ी फुल खींची तो 560 आराम से क्रॉस कर लेगी। जब ये गाड़ी लॉन्च किया था तब ये वन ऑफ द फास्टेस्ट पिकअप वाली गाड़ी थी, ये मुझे याद है। हम सब दोस्त लोग बोलते थे बीच में, अरे भाग रहे, ये पावरफुल गाड़ी है। तब उतने चॉइसेस आपको नहीं थे गाड़ी के, लेकिन लग्जरी गाड़ी थी। आप देख ही सकते हो कितना लग्जरी इसमें डाला हुआ है। 15 साल पहले की गाड़ी है, अभी तक इतनी स्मूथ चल रही है। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे अपनी गाड़ी मेंटेन रखते हो, वो भी है। अगर आप अपनी गाड़ी मेंटेन नहीं करते हो तो आपकी गाड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आप गैरेज में नहीं रखते हो, बाहर रखते हो, धूप में रखते हो या झाड़ के नीचे रखते हो तो आपकी गाड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, पेंट सब खराब हो जाता है। अगर आप गैरेज में रखते हो तो कोई बात नहीं है, रोज रोज धो के गैरेज में रखना है और आपकी गाड़ी अच्छी मेंटेन हो जाएगी। Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulated. सीट को आप देख सकते हैं कितने एडजस्टमेंट है। और इधर आप अपने पेट्रोल के टैंक भी खोल सकते हैं और डिक्की भी इधर से खोल सकते हैं। तो वो टाइम पे ये वन ऑफ द फर्स्ट डैशबोर्ड था जिसमें सॉफ्ट टच था, इधर आप देख सकते हो। बाद में एसी आप जानते हो, ये दोनों एसी के वेंट से बाद में एसी कौन से साइड में छोड़ना है उसका स्विच है। बाद में ये है फैन स्पीड का स्विच, बाद में ये एसी ऑन ऑफ का स्विच, बाद में ये एयर सर्कुलेशन का स्विच, और बाद में हॉट और कोल्ड एयर का स्विच। इधर आप स्टीरियो डाल सकते हो, और ये है आपका सिगरेट लाइटर, और इधर आप एस्ट्रे जैसा यूज़ कर सकते हो और इसमें कुछ डाल के भी रख सकते हो। और कौन बोलता है कि एसटीएम में ग्लास होल्डर या बॉटल होल्डर नहीं हुआ रहता था। इधर आप देख सकते हैं, खींचा तो आप इसमें बॉटल या कैन डाल सकते हो, छोटा वाला डाल सकते हो, बड़ा वाला नहीं डाल सकते हो, लेकिन बॉटल या कैन होल्डर या ग्लास होल्डर इसमें था। और मैं इधर आप देख सकते हो, इधर भी डोर में आप कुछ चीज़ें रख सकते थे। और यह है आपका ड्रॉअर, ड्रॉअर आप लॉक कर सकते थे, और ये बहुत रूम है टावर में। बाद में रेयर व्यू मिरर आप अंदर से ही ऐसे एडजस्ट कर सकते थे। तो ये सब फीचर्स अभी न्यू गाड़ी में भी आते हैं, अब तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फीचर था तभी का। और इधर से आप अपनी हेडलाइट की बीम एडजस्ट कर सकते हो। बाद में इधर नीचे आया तो इधर प्रेस किया तो इधर एक एस्ट्रे बाहर निकलता है, इधर आप देख सकते हो। वो टाइम पे सिगरेट को बहुत डिमांड था ऐसे मुझे लग रहा है। और आगे और पीछे मैंने ये नए रबर मैट्स डाले हुए हैं, अगर आप ये परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाद में इधर पीछे होते थे इसके स्पीकर्स, और इसको अभी कैनवुड के स्पीकर्स है, मुझे मालूम नहीं ये इसके डिफॉल्ट आते थे या नहीं करके, लेकिन इधर पीछे इसको दोनों स्पीकर्स रहते थे। तो आप मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत जान के पास मारुति एसटीएम है तो मेरे को मालूम है, लेकिन कमेंट नहीं करते आप लोग। तो इधर मैं एक काम कर देता हूँ, इधर ऊपर मैं एक पोल डाल दूंगा, उधर जाके आप अगर आपके पास मारुति एसटीएम है तो यस या नो में सिलेक्ट कर सकते हो। इसे मुझे मालूम पड़ेगा कितने मेरे सब्सक्राइबर्स के पास मारुति एसटीएम है। वो सॉलिड गाड़ी है, देख ही सकते हो। तो इधर मैं आपको थोड़ी मेरी डिक्की खोल के दिखाता हूँ, कितना स्पेस है वो इधर आप देख सकते हैं, कितना बड़ा स्पेस इसके अंदर है वो। मैं इधर लेट सकता हूँ जाके अंदर, और इधर साइड में आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें आप इसमें डाल के रख सकते थे। और ये कारपेट हटा के मैं अभी आपको दिखाता हूँ अंदर कैसा है वो। तो इधर आप देख सकते हैं मेरा स्पेयर टायर,
और इधर अंदर में भी मैंने पेंट किया हुआ है। पहली बार ऐसा मैं रिव्यू दे रहा हूँ, तो सपोर्ट करने को मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कुछ भी डोनेट करना चाहते हो तो पेपाल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उधर जाके आप मुझे कुछ भी डोनेट कर सकते हो और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और एक बात मैं आपको इधर बोलना चाहूँगा, गाड़ी पार्किंग में रखते समय हमेशा गियर में डाल के रखिएगा, हैंड ब्रेक ज़्यादा इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो आपका हैंड ब्रेक जाम हो जाता है और ख़राब हो जाता है जल्दी। तो ज़्यादा देर पार्किंग में रखते समय गियर में डाल के रखिएगा गाड़ी को। तो टाइम आ गया है हुड ओपन करके इंजन को देखने का। तो इधर आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी एसटीम का 1300 सीसी 84 बीएचपी का इंजन। मारुति एसटीम और मारुति जिप्सी का इंजन सेम हुआ करता था, तो पावर तो सेम है, लेकिन ये फोर व्हील ड्राइव नहीं है, लेकिन पावर की कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने मेरे वाइपर आर्म्स को भी पेंट किया है और कितना अच्छा वो दिख रहा है। वो मेरे हेडलाइट को भी मैंने स्मोकिंग किया है, इधर आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बोलेगा। तो इधर आप देख सकते हैं इसका रिव्यू मेरा बाहर से कितना अच्छा दिखता है वो। बाद में ये गाड़ी आती थी स्पॉइलर के साथ और ये स्पॉइलर इसको अच्छा रेसिंग गाड़ी का फील देता था। और इधर आप चेक कर सकते हो इसका लेग रूम, पीछे का सीट, और कंफर्टेबली मैं बैठ सकता हूँ लेकिन पाँव नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि इधर मेरे पाँव लग रहे हैं और हेड भी थोड़ा इधर टच हो रहा है। मेरी हाइट है 5.9 इंचेस, तो इससे आप मालूम कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए वो टाइम की कार में इधर हैंडरेस्ट रहता था, से आप हाथ रख के बड़े आराम से जर्नी को एंजॉय कर सकते थे। बहुत ही अच्छा आर्मरेस्ट है, इसे अंदर जाता है और बाद में तीन लोग इधर बैठ सकते हैं। आप इसमें सीएनजी भी बिठा सकते हो, मैंने सुना है कि सीएनजी बिठा के आप ये आपको 25 किलोमीटर पर लीटर तक देती है गाड़ी। तो रही माइलेज पेट्रोल की, तो माइलेज में थोड़ी कम है गाड़ी, वो मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। 9 के 10 के ऊपर मुझे कभी नहीं दिया है, तो लास्ट इज 9 to 10। और वो भी मुझे मिला जब मैंने मेरे व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट किया, तब उसके बाद मिला मुझे। उसके पहले तो उससे भी कम देती थी, 7 से 7 देती थी। तो अगर आपकी गाड़ी ठीक से माइलेज नहीं देती है तो आप व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट ज़रूर करिएगा, इससे आपकी माइलेज बढ़ती है। अगर आप इसमें सीएनजी लगाओगे तो बाइक जैसे चलाने को मिलेगी आपको ये गाड़ी, क्योंकि सीएनजी डालने के बाद ये बहुत ही अच्छी माइलेज देती है, आपको लगेगा कि आप मोटरसाइकिल ही चला रहे हो। और इंजन का तो कोई मेंटेनेंस ही नहीं है इस गाड़ी का। और मारुति एसटीम के बारे में आप क्या जानना चाहोगे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। और कमेंट करने को मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाएं मेरे लेटेस्ट। नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और टच हो रहा है, मेरी हाइट है 5.9 इंचेस, तो इससे आप कितना मोटा है मालूम कर सकते हो।